इसका कोई निर्भर कर रही हूँ पराठे और दाल की सब्जी। आप लोग भी आइए जल्दी जल्दी, मॉर्निंग में 7 बजने वाला है, 10 मिनट बाकी है, जल्दी करके उठ के आप हो। सारे काम तो आप ही करते हो, सारे के सारे काम यही करते हैं पति देव मेरे, पूछिए इनसे, सारे काम यही करते हैं। मुझे नहीं लग रहा है, हम सुबह से करते करते किचन का सारा काम किए, सफा किए, सुबह का सबको नाश्ता नाश्ता कराए, उसके बाद वो सब क्लिप मिलेगा आज। आज बड़ा ही प्रोसेस के। Hey guys, welcome back to my channel, मधु एंड संजय। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। तो चलिए आज सुबह के उठ गए, कितना बजे, 6 बज रहा है अभी, और 6 बज रहा है और मैं उठ के बहुत सारे काम की हूँ। और आप सभी को सुबह का राम राम एंड गुड मॉर्निंग एंड मेरा प्रणाम आप सभी को। तो देखिए यहाँ पे इतना सारा बारिश हो रहा है, जब मैं उठी थी तब नहीं था, बट अभी होने लगा। बच्चे लोग का स्कूल है, दोनों बच्चे स्कूल जाएंगे, एक का 7 बजे है, एक का 8 बजे है, एक अभी सो ही रहा है, दिखाएंगे। मैं दोनों की बारिश के दुश्मन ही है क्या, लोग स्कूल जाने का तैयारी करते हैं, बारिश शुरू हो जाता है, बहुत जोरों की जो पीट पीट की बारिश हो रही है, तो क्या करूं मैं। चलिए किचन में मैं आटा भी बना कर आई हूँ वहाँ पे। आइए, मेरा रास्ता रेडी हो चुका है, तो आप लोग देख रहे हैं मधु का मॉर्निंग कैसा होता है। लो बेटा, तो रास्ता कोई के बदल रही हूँ, पराठे और दाल की सब्जी। आप लोग भी आइए जल्दी जल्दी, मॉर्निंग में 7 बजने वाला है, 10 मिनट बाकी है, जल्दी करो। तो मैं बना लेती हूँ, फिर बातें करती हूँ। स्कूल जा पाएगी आज, तो बहुत ही बारिश है। कैसे जाएगी? कैसे जाएगी? खा लो गरम गरम, सो जाओ, रहे तो बिस्तर लगा के सो जाओ, बस हो गया। देख लीजिए, देख के नहीं लग रहा है कि हमको जा पाएगा स्कूल आज। बिस्तर तो सब ठीक हो चुका है, सड़ किए हैं, बट बेटे जल्दी जल्दी देख रहे हैं। मैं सुबह सुबह बेटे बेटे के लिए नाश्ता तैयार कर दी हूँ, बट ये बारिश तो बड़ा ही जोरदार हो रही, ये बारिश तो मौज कर दी भाई। आज कितना, 12 डेज है, आज 12 दिन हो गया इस बारिश का, बहुत ही छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है। तो चलिए देखते हैं मधु क्या कर रही है, अभी तक ब्रेकफास्ट मिला नहीं मुझे, बच्चे लोगों को छोड़ के आया काफी लेट। मधु आज ब्रेकफास्ट दोगी या नहीं दोगी मुझे, जल्दी बोलो, जल्दी फास्ट फास्ट। क्या खा, भूख लगी है? भूख लगी है, ऑलमोस्ट 9:30 हो चुके हैं। अच्छा, बहुत काम किए हो सुबह से उठ के आप, हो सारे काम तो आप ही करते हो, सारे के सारे काम यही करते हैं पति देव मेरे, पूछिए इनसे, सारे काम यही करते हैं, यही करते हैं। बिस्तर हटाया, ब्रश किया, एग्जैक्टली राइट, यू आर राइट। इस खुशी में इनको ड्राई रोटी खिलाया जाएगा आज। क्या खाओगे जल्दी बोलो? रोटी के साथ क्या? फाइनली नाश्ता बन चुका है, मेरे पेट को थोड़ा आराम मिलेगा ना, लेट करूंगी तो कैसे होगा, मेरा सारा काम मेरा लेट करती है, ये खुद तो लेट उठती है, मुझे भी लेट करवाती है। नेक्स्ट टाइम भगवान, आज मैं 6 o'clock उठी हूँ, लेट नाइट सोई, कल से मैं जल्दी उठ के खुद ही खा लूंगा, ठीक है? तुम अचार लाते रहो, मैं जा रहा हूँ। चलो चलो गाइस, दिखा दो क्या है खाने में आपको, ड्राई रोटी, सूखी हुई रोटी, और खुद के लिए पराठे, मेरे लिए बस रोटी। यार ये खाते नहीं है, सेहत का ख्याल रखो, ले तो रहे हैं लोग, बस अरे थोड़ा सा तो, अरे तो ये बहुत अपने सेहत का ध्यान रखते हैं, और मैं थोड़ी खाती पीती हूँ, और खाती पीती घर का दिखती भी हूँ, देखिए तो मुझे खाने दो बस, अपना पार्शियलिटी देखिए, उसके लिए रोटी, मेरे लिए पराठा, सॉरी मेरे लिए रोटी, उसके लिए पराठे, खाने दो बोलो मत।
तो यार मैं खाती हूँ, बाद में जो होगा होगा। ठीक है ठीक है, वीडियो को ऑफ करता हूँ, मुझे खाना है। पता चलता होगा ये बहुत मेंटेनेंस करते हैं। हेल्थ का नहीं, मैं नहीं करती, मैं नहीं करती। मुझे देख के लग रहा है मैं 25 का हूँ और ये 40 की है कि नहीं? हेलो गाइस, आज काफ़ी ठंड है, आप देख सकते हैं हम लोग ब्लैंकेट के अंदर हैं, बाहर जोर से बारिश हो रही है। इनको लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा है। हम सुबह से करते करते किचन का सारा काम किए, सफा किए, सुबह का सबको नाश्ता नाश्ता कराए, उसके बाद वो सब क्लिप मिलेगा आज। आज बड़ा ही प्रोसेस के साथ वीडियो बना है मेरा ब्लॉग। तुम तो अपना वीडियो दिखा देती क्या क्या काम कर रही हो, मैं तो दिखाता नहीं हूँ, ना मुझे तुम दिखाती मैं क्या काम किया हूँ। मेरा सारा काम जो है बिहाइंड द कैमरा होता है, इसलिए जितना बोलना है बोल लो। तो मुझे दिखाना अच्छा लगता है। और मैं गाइस नहा कर आई हूँ, अभी भी मेरा बाल भीगा हुआ है और हम शैम्पू करके नहाए हैं, ये अभी तक नहीं नहाए हैं। ये देखिए अभी अभी सोए हुए हैं। शेविंग भी करनी है, उसके बाद नहाऊंगा। महारानी आराम से बैठी हुई है, कब से बोल रहा हूँ जाओ जाके पकाओ अच्छा सा कुछ लजेदार मजेदार गरम मसाला देके, एकदम तीखा होना चाहिए खाने के। खाली पकाने के ही चक्कर में रहते हैं हमसे, खाली पकाने। मौसम भी बहुत ही बढ़िया है, इसमें क्या है कि कुछ पकोड़ा हो जाए साथ में, है ना, तो बात बने। ये दाल चावल रोज का रोज एक ही चीज खाते, चलो जाओ 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 मधु का खाना बन चुका है, तो देखते हैं कि क्या बना रही है आज। अगर खाना अच्छा नहीं हुआ तो आज भूख हड़ताल। क्या बोले वो दिखाई पड़ रहा है, देख लीजिए एकदम, देख लग रहा है एकदम तीखा होगा, गरम मसाला देखिए एकदम मसालेदार होगा एकदम। हाँ एक दिन बना के भी खिलाओ, वो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि सिर्फ हम लड़कियों लोग को खाना पकाना चाहिए कि इन लड़कों लोगों को भी बनाना चाहिए ना। क्यों? कभी कभी ये बनाते हैं, बट कभी कभी मुझे भी छुट्टी दो, आप बनाओ, आप लोग भी बनाओ। फिर हम लोग को पार्लर जाना है तो इसी। हाँ मुझे पार्लर जाना है, ये देखिए देख रहे हैं मैं लाइव में आती हूँ, सब लोग बोलते हैं भाभी जी इतना सुंदर क्यों लग रही हो, नहीं इतना बंदरी क्यों लग रही हो, पार्लर जाओ। तो वीडियो और मैं 10 दिन से बोल रही हूँ कि पार्लर ले चलना, पार्लर ले चलना, और बोलते हैं कि अकेले पार्लर जाओ, मैं अकेले पार्लर नहीं जाती हूँ, इसको लेके ही जाऊंगी। और अंदर का ना, अंदर का कैमरा नहीं बोलने नहीं देती मुझे।
चुप। निकलना भी, बारिश गिरने वाली है। बारिश गिरने वाली है बट मैं जाऊंगी, मुझे करना है आज पार्लर जाकर। और कुछ कराती नहीं हूँ, तुम बच जाते हो। सॉरी, आप बच जाते हो, पैसा वैसा बच जाता है आपका, 40 रुपीज में इनका काम हो जाता है। ओके ओके ठीक है, मिलती हूँ कल एक न्यू वीडियो साथ। हम दोनों कैसे लगते हैं साथ में वीडियो में जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और ये अभी थोड़ा थोड़ा मेरे वीडियो में आ रहे हैं। बाय 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 बाय।